इसराइल की मदद के लिए भारत का जबरदस्त कदम। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के लिए भारत ने किया कनाडा का सपोर्ट। भारत और कनाडा के बीच चल रही है तनातनी, लेकिन यूएन में इसराइल की मदद के लिए भारत का हैरानी भरा कदम। इधर इसराइल पर हमले के बाद एलओसी पर हथियार क्यों तैनात कर रहा है भारत? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों देशों के बीच ये तनाव ने एक तरह से जंग का रूप ले लिया है, क्योंकि इस तनाव से भारत और कनाडा के बीच व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं कनाडा में जो भारतीय रह रहे हैं उनको लेकर भी भारत चिंता में है। हालांकि भारत के खिलाफ कनाडा जिस तरह का माहौल बना रहा है, भारत उसका जवाब दे रहा है। खालिस्तान के हमदर्द कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारतीय एजेंट्स पर निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाने के बाद भारत ने भी सख्त एक्शन लेते हुए कनाडा के 41 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन भारत और कनाडा की जबरदस्त जंग के बीच ही भारत ने एक ऐसा काम कर दिया है अपने दोस्त इसराइल की मदद के लिए कि खुद इसराइल भी हैरान हो गया है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि भारत ऐसा भी कर देगा। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त इसराइल हमास के साथ एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग में उलझा हुआ है। इसराइल एक शक्तिशाली देश होने के बाद भी हमास के इस हमले को डिटेक्ट नहीं कर पाया और इसका बड़ा नुकसान हो गया। अब इसराइल को भारत जैसे दोस्त देशों की जरूरत है। भारत वैसे भी इसराइल की मदद के लिए व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, और एक बार फिर भारत ने इसराइल की मदद के लिए कुछ ऐसा कर दिया है कि दुनिया हैरान रह गई है। भारत ने इसराइल की मदद करने के लिए कनाडा का भी सपोर्ट कर दिया है, वो भी यूएन में। वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइल पर हमास के बड़े हमलों के बाद भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एलओसी पर हथियारों का जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। वहीं चीन के साथ लगती सीमा पर भी नए हथियारों की दनादन तैनाती हो रही है। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत पर भी हमास जैसी ही किसी बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है? दोस्तों, इसराइल की मदद के लिए भारत ने किया कनाडा का सपोर्ट। हमास को लेकर आए प्रस्ताव पर भारत ने लिया इसराइल का स्टैंड। दरअसल भारत और कनाडा के बीच चल रही तनातनी के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कनाडा के एक प्रस्ताव का खुलकर समर्थन कर दिया है। ये प्रस्ताव हमास को लेकर कनाडा की ओर से आया था। कनाडा ने प्रस्ताव रखा था कि हमास के इसराइल पर आतंकी हमले की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसका समर्थन में वोट किया। माना जा रहा है कि दोस्त इसराइल की मदद के लिए भारत ने कदम उठाया है। हालांकि भारत ने फलस्तीन देश बनाने का भी खुलकर समर्थन करके संतुलन को कायम रखा है। इससे पहले जॉर्डन ने इसराइल और फलस्तीन पर प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर कनाडा ने संशोधन प्रस्ताव रखा और कहा कि हमास के इसराइल पर हमले की निंदा की जाए। भारत ने संशोधन प्रस्ताव में पक्ष में वोट दिया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2/3 वोट हासिल नहीं होने की वजह से कनाडा का यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। कनाडा के इस प्रस्ताव पर 88 देशों ने समर्थन किया, जबकि 55 देशों ने विरोध किया। वहीं 23 देश ऐसे थे जो तटस्थ रहे। कनाडा के इस प्रस्ताव का पाकिस्तान, कतर समेत कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया। कनाडा को भारत के अलावा फ्रांस, जापान, अमेरिका समेत कई देशों का समर्थन मिला। इससे पहले भारत ने पहली बार फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। शुक्रवार को प्रस्ताव पर भारत ने इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें हमास के आतंकवादी हमले की निंदा की गई थी। महासभा ने नई दिल्ली द्वारा समर्थित एक संशोधन को खारिज कर दिया जिसमें आतंकवादी समूह का नाम दिया गया था। भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने मतदान के बाद कहा, इसराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले चौंकाने वाले थे और निंदनीय है। उन्होंने कहा, दुनिया को आतंकी कृत्यों के औचित्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसराइल हमास युद्ध में संघर्ष विराम और गाजा के लोगों को सहायता प्रदान करने का आह्वान करने वाला प्रस्ताव 120 वोटों से पारित हुआ, जबकि इसके खिलाफ 14 वोट पड़े और 45 देश अनुपस्थित रहे। इससे इसे उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत मिला। भारत ने कनाडा द्वारा लाए गए प्रस्ताव में संशोधन का समर्थन किया जिसमें हमास का नाम था और उसके हमले की निंदा की गई, लेकिन ये पारित होने से विफल रहा। इसके पक्ष में 88 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ 54 वोट डाले गए, 23 अनुपस्थित रहे। पटेल ने कहा, आतंकवाद एक घातक बीमारी है और इसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती। उन्होंने कहा, हमास के हमले इतने बड़े पैमाने और तीव्रता के थे कि ये बुनियादी मानवीय मूल्यों का अपमान है। इसराइल पर हमास के हमले के बाद भारत ने उठाए हथियार। एलओसी और एलएसी पर भारत लेकर आया नए हथियार। दोस्तों, इसराइल पर हमास के हमले के बाद भारत भी सतर्क है। भारत इसराइल में हमास जैसी सरप्राइज अटैक से बचने के लिए अपनी सीमाओं पर ड्रोन के साथ एक निगरानी प्रणाली स्थापित कर रहा है। देश के रक्षा अधिकारियों ने निगरानी और टोही ड्रोन के 6 घरेलू विक्रेताओं के साथ मुलाकात की है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह और अगले महीने तक इस संबंध में घोषणा होने की उम्मीद है। इस सिस्टम को अगले साल कई महीने की शुरुआत में सीमा के कुछ हिस्सों में चालू करने पर विचार किया जा रहा है। भारत की तरफ से अपनी सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी रखने को लेकर एक कदम तब उठाया गया है जब पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ खासकर हिमालय इलाके में तनाव बना हुआ है।
वहीं यूक्रेन में युद्ध ने मोदी सरकार को अपने हथियारों के भंडार, युद्ध की तैयारियों और युद्ध के मैदान पर प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया है। हमास के सरप्राइज अटैक ने देश को कुछ सुझाए गए उपायों को शीघ्रता से लागू करने के लिए प्रेरित किया है। भारत अतीत में अचानक हुए हमलों का शिकार हुआ है। 2008 में हमलावर हथियारों हथगोलों से लैस पाकिस्तान के हमलावरों ने समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसपैठ की और 3 दिनों तक शहर के प्रमुख स्थलों की घेराबंदी की थी। इस हमले में 166 लोग मारे गए। इसके अलावा भारत ये बात कहता रहा है कि पश्चिमी बॉर्डर पर ड्रोन का इस्तेमाल हथियारों और ड्रग्स को ले जाने के लिए किया जा रहा है। इस सिस्टम को सीमाओं के पूरे हिस्से को कवर करने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं। इसकी लागत सालाना $500 मिलियन तक हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाई अल्टीट्यूड छद्म उपग्रह सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन होंगे। ये बिना लैंडिंग के लंबे समय तक काम कर सकते हैं। इनका उपयोग सर्विलांस सिस्टम के लिए किया जाएगा। 24/7 हाई अल्टीट्यूड में पावरफुल ड्रोन बॉर्डर के साथ ही पारंपरिक रडार नेटवर्क के बैकअप के रूप में भी काम करेंगे। ये सीधे स्थानीय कमांड सेंटर्स को तस्वीरें भेजेंगे। तैनात किए गए ड्रोनों और उनका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर को लोकल लेवल पर डेवलप किया जाएगा। भारतीय सेना जो हथियार प्लेटफॉर्म्स के लिए रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, 10 साल के $250 अरब के सैन्य आधुनिकीकरण प्रयास के बीच स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद देश का भूमि सीमा और समुद्र तट पूरे 22,531 किलोमीटर निरंतर निगरानी में रहेंगे। इससे पहले नई दिल्ली ने निगरानी और टोह लेने के लिए अमेरिका से 2 ड्रोन किराए पर लिए थे। उस समय 2020 की गर्मियों में बीजिंग के साथ सीमा तनाव का मौजूदा दौर पहली बार शुरू हुआ था।